आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि कैपलर ने क्या नियम दिए थे प्लैनेटरी मोशन के लिए। प्लैनेटरी मोशन मतलब जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, तो उसमें आप जानते हैं सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें प्लूटो भी पहले कंसिडर किया जाता था एज अ प्लैनेट, लेकिन अब उसको डार्क प्लैनेट कह दिया है। तो 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो वो जो उनका मोशन होता है, जो रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों तरफ, उनमें कौन से नियम को वो फॉलो करते हैं, किन लॉज को वो ऑबे करते हैं, वो किसने दिए थे? कैपलर ने दिए थे। हालांकि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि सन है, अर्थ है, मून है या और प्लैनेट्स हैं, इन सब के बारे में पहले से ही जो है साइंटिस्ट, हज़ारों साल पहले से साइंटिस्ट रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं, वो अपना जो भी है स्टडी उस पर करते आए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार दिए भी हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो एक बहुत फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन रहे हैं आर्यभट्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्यभट्ट। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी अपनी आर्यभट्टिया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या करा था, ये सब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं इनके मोशन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने ही सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया था कि जो पृथ्वी होती है वो अपनी अक्ष पे स्पिन करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। उसके हज़ारों साल बाद कैपलर ने और भी बहुत साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इन सबको स्टडी किया, तो उसके बाद जो फॉर्मुलेट किया वो कैपलर ने किया था कि किन बेसिक 3 लॉज इसने दिए थे, इन्होंने दिए थे जिनके बेसिस पे जो प्लैनेटरी मोशन है वो होता है। तो पहला नियम जो था प्लैनेटरी मोशन का वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कक्षा, कक्षाओं का नियम, ठीक है। जो सन है, जैसे सोलर सिस्टम है, उसमें क्या है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, तो जिस पाथ में वो मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इलेप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, यानी कि सन के चारों तरफ जो उनकी पाथ होती है उसकी शेप कैसी होती है, इलिप्स, दीर्घवृत्ताकार होती है, जिसमें आपको पता है अगर इलेप्टिकल पाथ है तो उसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल में 1 सेंटर होता है, इलेप्टिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं जिसके एक फोकस पे सन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एक्सिस होती हैं, एक बड़ी वाली एक्सिस होती है जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं और एक छोटी होती है जिसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। तो पहला जो नियम है वो क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है, जो हमें बताता है कि किस तरह की ऑर्बिट या किस तरह की कक्षा में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, क्लियर। सेकेंड कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। ये क्या कहता है, रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब रेडियस वेक्टर क्या होगा, सन से मान लीजिए ये जो कोई भी प्लैनेट है, अर्थ है या कुछ भी है, ये सन के चारों तरफ इस पाथ में इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। जब हम इसकी पोजीशन देंगे विद रिस्पेक्ट टू सन, तो एक वेक्टर की हेल्प से देंगे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम रेडियस वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि रेडियस वेक्टर जो होता है सन से प्लेनेट की तरफ, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वैप करता है, यानी कि कवर करता है। दैट मीन्स हम अगर ये मान रहे हैं कि ये रेडियस वेक्टर जो है जब ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है वो T1 टाइम में यहाँ से यहाँ तक आता है, तो एरिया कितना स्वैप किया इसने, ये इसको हमने A1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद T2 टाइम में मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक आता है और एरिया जो स्वैप किया वो कितना है, A2 है। अगर T1 और T2 इक्वल हैं तो इसका मतलब A1 और A2 भी इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को रेडियस वेक्टर स्वीप करेगा यहाँ पर, जो रेडियस वेक्टर कौन सा, जो सन से अर्थ को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो रेडियस वेक्टर होता है ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप करता है, क्लियर। ये था कैपलर का सेकेंड लॉ।
थर्ड लॉ है प्लेनेटरी मोशन का, कैपलर ने जो दिया था वो है लॉ ऑफ पीरियड्स या लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हो। ये किसका है, जो काल होता है आपका, क्या क्या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल जो होगा, टाइम पीरियड, यानी कि इसका एक परिक्रमण करने का जो टाइम पीरियड है उसके नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ये क्या कहता है कि कोई भी प्लेनेट जो सन के चारों तरफ इस इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड अगर हम मान रहे हैं कैपिटल टी है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो इसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेजर एक्सिस आपको पता है, ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है आपकी, मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया इसका आधा, ये हो गई आपकी सेमी मेजर एक्सिस, जहाँ पे दोनों एक्सिस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो या अगर सेमी मेजर एक्सिस इसकी आर है और टाइम पीरियड टी है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। आप सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि सन से प्लेनेट की जो औसत दूरी है, जो एवरेज डिस्टेंस आएगा, देखो इलेप्टिकल पाथ है, कहीं डिक्रीज होगा कहीं पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह के उसमें क्या है, या तो आप एवरेज डिस्टेंस लोगे, या फिर क्या होता है जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस जो आपके पास आएगी उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, ठीक है। यानी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मान लीजिए आपके पास दो प्लेनेट दे दिए हैं, मान लीजिए अर्थ और मार्स का केस हम कंसिडर कर रहे हैं, टाइम पीरियड अर्थ का टी ई है, ठीक है, यानी कि अर्थ सन का जो एक चक्कर लगाती है, जो आपको पता है कितना होता है, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर ई क्यूब के, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्स का टाइम पीरियड टी एम है, तो टी एम स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर एम क्यूब के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी ई स्क्वायर अपॉन टी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ई क्यूब अपॉन आर एम क्यूब। यानी कि किन्हीं दो प्लेनेट्स के टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है उसकी रेशो, टाइम पीरियड के स्क्वायर की रेशो किसके बराबर होती है, उनकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब की रेशो के बराबर होती है। ये आपका क्या है, कैपलर का के तीन नियम हो गए हैं। पहला नियम क्या है, कक्षा का नियम, जो हमें ये बताता है कि जो प्लेनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा है आपका लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल का नियम, जो क्या कहता है कि कोई भी प्लेनेट जो है वो इक्वल टाइम में, उसका जो रेडियस वेक्टर होगा वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वैप करता है। और थर्ड है हमारा लॉ ऑफ पीरियड, जो क्या बताता है, किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर उसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।